नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन आज भारत वापसी करेंगे। बता दें कि पाकिस्तान पीएम ने ऐलान किया था कि शांति बहाल करने के लिए अभिनंदन को छोड़ दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद बहस छिड़ गई थी कि पाकिस्तान भारत से डर गया है और इसी डर के कारण अभिनंदन को रिहा किया जा रहा है। वहीं दूसरा खेमा कह रहा था कि जिनेवा समझौते के चलते पाकिस्तान मजबूर है, तो कहीं ये कहा जा रहा था कि पूरे विश्व में पाकिस्तान पर पड़ रहे दबाव के चलते उसे ऐसा करना पड़ रहा है। वहीं पीएम इमरान खान शांति की दुहाई दे रहे थे, वजह चाहे जो भी रही हो, फिलहाल देश इस बात से खुश है कि अभिनंदन की आज भारत वापसी हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच विंग कमांडर अभिनंदन भारत वापस आ सकते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर जमा हुए लोग विंग कमांडर अभिनंदन के स्वागत के लिए बेकरार हैं और पूरा देश उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अमेरिका ने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन के नाम पर 10 लाख डॉलर का इनाम देने की घोषणा की है। अमेरिका ओसामा के बेटे हमजा बिन लादेन को आतंकवाद के उभरते चेहरे के रूप में देखती है। बता दें कि हमजा बिन लादेन को जिहाद के युवराज के नाम से जाना जाता है। सालों से ये अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा है कि वो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, सीरिया में है या फिर ईरान में नज़रबंद है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमजा बिन लादेन अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का बेटा है और वो अलकायदा से जुड़े संगठनों से नेता के रूप में उभर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने किसी भी देश में हमजा की मौजूदगी की खबर देने वालों को 10 लाख डॉलर इनाम देने की घोषणा की है। बता दें कि हमजा की उम्र करीब 30 साल है और 2011 में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका पर हमलों की धमकी दे चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव के बीच आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अबू धाबी में 57 मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को संबोधित करेंगी। बता दें कि OIC के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस बैठक में आतंकवाद के मुद्दे को भी उठा सकती हैं। बता दें कि भारत मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन भारत ना तो OIC का सदस्य है और ना ही उसे पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में दर्जा मिला है। लेकिन इसके बाद भी OIC की तरफ से भारत को न्योता देना पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अबू धाबी में मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। साथ ही उन्होंने ऋग्वेद का हवाला देते हुए कहा कि भगवान एक है और सभी धर्मों का मतलब है शांति। वहीं उन्होंने बगैर किसी देश का नाम लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भी जिक्र किया। बता दें कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बाद भी OIC ने भारत को भेजा न्योता रद्द नहीं किया था, जिसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस मांग के खारिज न होने से तिलमिलाए पाकिस्तान ने आखिरकार OIC बैठक का ही बहिष्कार कर दिया था। अक्सर अपने रिश्ते को लेकर चर्चाओं में बने अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि फाइनली मलाइका और अर्जुन अपने रिश्ते को खुलकर सबके सामने लाएंगे और इसी साल के अप्रैल महीने में दोनों शादी करेंगे। आपको बता दें कि इस शादी की सभी रस्में क्रिश्चियन रीति रिवाजों से निभाई जाएंगी, जिसके चलते अर्जुन और मलाइका चर्च में शादी रचाएंगे। वैसे तो कई बार इस जोड़े को साथ में डेट करते हुए देखा जा चुका है, लेकिन इन दोनों ने ही अपने रिश्तों को लेकर कभी खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। दरअसल मलाइका ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने और अर्जुन के रिश्ते को लेकर खुलकर अपनी बात रखी थी। शो के दौरान करण ने उनसे अर्जुन कपूर के बारे में सवाल किया था। इस पर मलाइका का कहना था कि अर्जुन उन्हें हर तरह से पसंद है, दिस वे एंड दैट वे। इसके बाद मलाइका का ये कमेंट काफी चर्चा में बना हुआ था। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको क्या माता की।